हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं सीएमडी का यूज़, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। इसी कमांड की सहायता से आज हम सीख पाएंगे किस तरीके से हम इस पर वर्क करेंगे, किस तरीके से इसमें अपनी फाइल फोल्डर्स को क्रिएट कर पाएंगे। तो वही सारी चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एनी फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग अ सीएमडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे ओपन करने का सबसे ईजी वे है, आपको स्टार्ट पर जाना है, ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका सी यूजर स्लैश एन। तो ये क्या है, बेसिकली सी पे आप वर्क कर रहे हो, यानी कि सी ड्राइव में आप हो इस ड्राइव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप कहाँ पर हैं, सी के अंदर आप यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर हैं। तो बेसिकली ये रहा हमारा यूज़र नाम का फोल्डर, उसके बाद आप एन नाम के फोल्डर के अंदर हैं इस टाइप से। तो आप जो भी यहाँ पर काम करेंगे, जो भी फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे, आ रहे वाले टाइम पर हम जो भी कमांड्स वगैरह रन कराएंगे या कोई भी फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यही आज हमें पहले सीखना है कि कैसे हम इसमें फाइल्स को बनाते हैं। तो बेसिक बेसिक कमांड्स के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसे एडवांस में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट करने के लिए फाइल को, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम। आप कोई भी फाइल नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ABCD। तो ABCD जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर आपको कुछ टाइप करने के लिए ऑप्शन वो देगा। जैसे आप नोटपैड पर कभी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए ऑप्शन देता है या बनाने के लिए ऑप्शन देता है, तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो दिस इज न्यू वर्क ऑन CMD, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आप इस पर टाइप करेंगे वो इस टाइप से आप यहाँ पर इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे सेव करना होता है। सेव करने के लिए जो कमांड होती है वो होगी कंट्रोल के साथ आप जेड बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। दोनों बटनों को आपको एक साथ प्रेस करना है, यानी कंट्रोल और जेड दोनों बटन आपको एक साथ प्रेस करने हैं और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपकी वन फाइल कॉपी आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर वन फाइल कॉपी देखेंगे, इसका मतलब होता है आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। और मैं आपको इसे अगर दिखाऊं कहाँ पर वो आपको मिलेगी, तो पहले हम बात कर चुके थे हम कहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, सी यूजर एन के अंदर। तो यानी कि सबसे पहले हम सी ड्राइव के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद हम यूजर नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं, उसके बाद हम एन नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं। तो जिसमें जो भी हम फाइल या फोल्डर क्रिएट करेंगे वो सारा का सारा हमें देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सी यूजर एन। ABCD नाम की हमने फाइल क्रिएट की थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट कमांड जो इसमें आती है वो होती है किस तरीके से हम इस फाइल के अंदर ये चेक करें कि इसके अंदर में जो टाइप किया था वो क्या था, क्या कंटेंट कैसे था। जैसे आप क्या करते हैं, इससे पहले आप जो भी कभी कोई नोटपैड फाइल को ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो आपके सामने दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे टाइप स्पेस फाइल नेम। तो टाइप स्पेस फाइल नेम कमांड से क्या होगा कि आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहेंगे उस फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपने देखा हेलो दिस इज न्यू वर्क ऑन CMD। तो आई होप कि आज आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक कमांड थी। आगे की और कमांड्स के लिए आगे वाली वीडियो को और देखिए, उसमें हम सीखेंगे कैसे हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं और कैसे हम फोल्डर को उसमें डिलीट करेंगे।